बेटे को पाकर खुश हो रहे, इन्हें क्या पता बेटा नहीं बॉम्ब खोद लिया। बुरा मत मानो यार, तुम एक एटम बॉम्ब हो, चलता फिरता बॉम्ब। तू ज्यादा परेशान मत हो, सब बड़े प्यार से होगा। मतलब तुम सबको बड़े प्यार से साफ करोगे। राजकुमार सूर्या जी। नाना आदर से बोलो। आज्ञा दीजिए नाना जी। ये हमारे राजकुमार हैं, आगे से यही सारा हिसाब किताब देखेंगे। 2.5 लाख का बिल है इनका और 50,000 का टिप है, इनका पेमेंट कर। 3 लाख। नमस्कार। थैंक यू सर। जिंदगी में पहली बार राजा बने हो ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, जल्दी से बिल चुका दो। तू देख रहा है ये क्या कर रहा है? ये तो मुझे धो डालेगा। आगे से या पीछे से? जल्दी तो मैं। तूने मुझे भिखारी बनाने के लिए राजा बनाया, एक झटके में बैंक बैलेंस से 3 लाख चले गए। अरे थोड़ा थोड़ा बाट, बाद में बड़ा बड़ा अंदर खींच। कर बकवास कर रहा है, अब क्या करूं बोल। अरे बिल भर और क्या। तुझे तो नहीं, नहीं, नहीं। अरे यार तू अभी राजकुमार बन गया, ये चिंदीगिरी छोड़ दे। मेरा लॉस रिकवर होगा 100%। 65 लाख में से 3 लाख गए, 62 लाख बचे। एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करूंगा इन कंगालों पर। राजकुमार कार यहीं रोक दो। ये देखो, ये हमारे राज्य का प्रवेश द्वार है। तो ये द्वार किसका है? बाबूजी, अब इस इलाके में कोई माई का लाल हमको चैलेंज करने वाला नहीं रहा। संक्रांति में आपका स्टैचू इस बात पर मुहर लगा देगा। कैसा लगा हमारा आइडिया? एकदम बकवास। इसमें क्या कमी है बाबू? अभिमान के, जब तक उन सूर्यवंशी के गुरूर को मसल कर इन हाथों से जान ना ही निकाल दू तब तक चैन ना ही पड़ेगा। जब तक उन सूर्यवंशियों के आखिरी बारिश को ना मिटा दूं तब तक चैन नहीं पड़ेगा, समझ गए? राजकुमार सूर्या आ गवाह है। सूर्या के आते ही हमारे घर में कई सनाह लग गई। बहुत ही सही समय पर आया है उसकी मौत जो आ रही है। सूर्या, कैसा लगा? राज प्रताप सिंह, राजकुमार आ गए हैं। इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये हमारे राजकुमार हैं, अभिवादन करो इनका। अच्छा सुनिए, यहाँ के घोड़े भी मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, क्या इन्हें भी पता है मैं डुप्लीकेट हूँ? जानवर तो सब समझते हैं। सही कहा, वैसे एक जानवर ही दूसरे जानवर को समझ सकता है। क्या बात बोली है। ये कौन है? तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो, शाहरुख खान और सनी देओल का फटाका कॉम्बिनेशन। 25 साल से ये मेल तुम्हारा इंतजार कर रहा है और आज वो दिन आ ही गया। ये पागल है क्या? ये पागल नहीं है, तुम्हारा होने वाला जीजा है। सब लोग आपकी प्रतीक्षा में है, आइए आइए अंदर चलिए ना। तुम्हारी बहन है? बीच वाली जो थाली पकड़े हैं वो तुम्हारी सबसे बड़ी बहन है और सबसे सुंदर भी है ना। जोड़ी अच्छी है। अब तक शादी क्यों नहीं की? उसने कहा अपने भाई के लौटने तक शादी नहीं करा। और अगर मैं नहीं आता तो शायद हम कुंवारे ही मर जाते। Thank you.
राजकुमार सूर्या, तुम्हारी माँ, माँ का आशीर्वाद लो। सुनो बेटा, ये हमारी कुलदेवी है, पहले इनका आशीर्वाद ले लो। आयुष्मान भव। अरे भाई, खड़े खड़े क्यों खा रहे हो? अरे ये तो अपनी आदत है जीजू, ठेले पर तो ऐसे ही खाना पड़ता है। क्या ठेले पर? अभी तुम सड़क पर नहीं, महल में खाना खा रहे हो। इस महल की ये कुर्सी 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये काम तो हम रोज करते हैं, हमेशा पहले आपके हिस्से का खाना निकालते हैं, फिर हम सब खाते हैं। गुड, वेरी गुड। जब से हमें पता चला है कि हमारा एक भाई भी है, हम सब तो यही सोचते रहते हैं कि वो कैसा होगा, कहाँ होगा और उसने क्या खाया होगा। हम दिन भर यही सोचते रहते थे। भैया, क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि रक्षाबंधन वाले दिन एक बहन के ऊपर क्या क्या गुजरती है? जब उसके पास राखी बांधने के लिए भाई की कलाई नहीं होती है, एक बहन को अपने भाई पर भरोसा होता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, लेकिन जब हमें आपकी जरूरत थी, आप हमारे पास नहीं थे। हम एकदम अकेले हो गए थे, क्या आपको पता है हम पर क्या क्या बीती? सूर्या को हम सबके दुख का एहसास था, हमारा रक्षक अब अपने घर आ चुका है, अब कोई दुख नहीं, अब कोई नहीं रोएगा इस घर में। क्या हुआ भैया, यहां देवदास बन के क्यों बैठे हो? हम ठीक नहीं कर रहे हैं यार। अरे लेकिन क्या ठीक नहीं कर रहे? तू नहीं समझेगा, मुझे अपना बेटा और अपना भाई मानकर ये लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं, और बदले में मैं इन्हें दे रहा हूं तो बस झूठी आस। जिस दिन इन्हें पता चलेगा कि मैं असली राजकुमार नहीं हूं, तब क्या गुजरेगी इन पर। अरे यार, तू ये सब क्यों सोच रहा है? भूल जा ये सब, 6,000 करोड़ सोच। एक बार तेरी शादी हो गई तो 6,000 करोड़ तेरे। ये महल, ये राजगद्दी, ये खजाना, इतना कुछ तू जिंदगी भर कभी नहीं कमा पाएगा। बस ऐश कर, ऑल द बेस्ट। बम भोले, बम भोले, इस महल का रक्षक आ गवा है। अरे वाह, ये बाबा तो बहुत अच्छे हैं। अब बाबा के चमत्कार देखो। ओहो, राजकुमार सूर्या की आंखों का तेज दुश्मन को जलाकर राख कर दे। ये तो अंतर्यामी भी है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर थोड़ा सा दान दे गई, बाबा का आशीर्वाद सदा महल पर रही। राजकुमार सूर्या, इन्हें 1,00,000 रुपया दे दो। 1,00,000? डमरू बचाने का 1,00,000? तुम राजा की फैमिली से हो, ऐसे छोटे मोटे दान से मत हिलो। 4,00,000 हो गए। बाबा गोरखनाथ सदा महल का रक्षा करी। जितना गुड़ दोगे उतना आशीर्वाद मीठा होगा। जय विष्णु हरि, बैकुंठ वासी हरि। लगता है आज मैं कंगाल हो जाऊंगा। श्री कृष्णा हरि, हमारी भर दो झोली और कर दो हमारी जेब खाली। श्री गोविंदा हरि। राजकुमार सूर्या, इन्हें भी 1,00,000 रुपया दे दो। इसको भी 1,00,000 दे। मैं भी डमरू लेकर निकल पड़ता हूँ। अब तुम एक राजा हो, राजाओं की तरह व्यवहार करना सीखो। दान देना राजा का धर्म है, चाहे कंगाल हो जाए। समझ गया।
जरा हिसाब लगा, 2 दिन में मेरे 5 लाख चले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने में रोड पे आ जाऊंगा मैं। My God, it's paining, you know. I know. राजकुमार सूर्या को उनके जन्मदिन के बारे में बताइए। जो आ गया। जन्मदिन? साले साहब, परसों आपका जन्मदिन है। ओह, हैप्पी बर्थडे। सुनो, 1-1 रुपए वाली टॉफी पूरे गांव में बांट दो। क्या, सिर्फ टॉफी? एक राजकुमार पहली बार अपना बर्थडे मनाएगा तो सिर्फ टॉफी बांटेगा? अरे उसे तो दिल खोल कर खर्चा करना चाहिए भैया। दिल खोल कर खर्च करना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, 40 गांव हमारे ऊपर निर्भर हैं, तो हर गांव को 1 लाख दिया तो कुल 40 लाख होगा। 40 लाख, बस इतना? तूने सुना ना? सुना। और इसके अलावा इस महल की पेंटिंग के लिए सिर्फ 5 लाख और लगेंगे। सुना भैया तुमने? इन्हें पेंटिंग करवानी है, उसके भी पैसे मुझसे लेंगे। वो ऐसा है ना कि पेंट करने से महल में रौनक आ जाएगी। तुम पेंट करो, मुझे पेंट करो, करो करो। यू ही ना बात। अच्छा, ये सारी कार्स पुराने मॉडल की हुई गवाह है, हमें कुछ नए मॉडल्स की कार लेनी चाहिए। नई कार्स लेनी है? वो भी ले लेंगे। लगता है ये शहर तक जाने के पैसे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे कपड़े उतरवाएगा ये। एक बात बताइए, इन घोड़ों को क्या हुआ, इन्हें भी कुछ चाहिए? घोड़े बहुत भूखे हैं, खाना चाहते हैं। 85,000 इनको भी दे दो। अच्छा, मुझे ही काट कर खिला। सॉरी सर, घोड़े वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते। गुड गुड। आइए अंदर आइए, वेज नॉन वेज दिखाता हूँ आपको। आइए देख भाई, ना मुझे इनका महल चाहिए, ना ही राजा का नाम चाहिए। मैं 0 ही ठीक था, 0000000। सुन यार, मेरा पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, मेरा ये खिला हुआ चेहरा भी फटी हुई चप्पल जैसा हो जाएगा। तू यही चाहता है क्या? हंसता खेलता तेरा दोस्त किसी सिग्नल पर भीख मांगता फिरे? चल यार, यहाँ से चलते हैं।